भाई तो ये बन रहा है पराठा। पराठे का साइज देख रहा, ये पराठे की कटिंग हुई है भाई, ये देख रहा, ये काट के अब लोग पूरियां भी। रात का टाइम अगर आपको नाश्ता ही करना है ना, बिल्कुल नाश्ते वाला, तो ये पूरी भी तैयार हो रही है भाई यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमदा भाई। मेरे साथ इस वक्त मेरे बड़े भाई भी मौजूद है ताजा, अस्सलाम वालेकुम भाई, और मेरा कजन भी मौजूद है सुना है। तो आज हम जो ट्राई करने आए हैं, बताओ भाई क्या ट्राई करने आए हम? यहाँ पे ट्राई करने आए कराची का सबसे बड़ा पराठा, पूरी पराठा। जी हाँ, अगर इसको पराठों का बाप कहा जाए ना तो कम नहीं होगा भाई। और रात के टाइम भी अगर आपको नाश्ते का मजा लेना है ना, तो आप मोहम्मद स्वीट्स पे आ जाओ। यहाँ पर आपको कराची का सबसे बड़ा पराठा भी मिलेगा, हलवा पूरी भी मिलेगी यहाँ पे, हर खाने पीने की चीज। लोग अभी रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और लोगों का रश अभी भी लगा हुआ, लोग पराठे खा रहे हैं, पूरी भी लेके आ रहे हैं भाई। तो आज आपको ये दिखाएंगे पराठा कैसे बनता है, कैसा टेस्ट है, सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अब चलते हैं और देखते हैं ये क्या सीन है। ये इनका डाइनिंग एरिया, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये डाइनिंग एरिया इनका, ये देख रहे हो आप लोग। और एक इनका फैमिली रूम है, ये ऊपर जा रहा है, ये फैमिली रूम है इनका। तो ये इनके कोई रेट है, इनके पास आइसक्रीम भी है, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से देख लें। और ये पूरी पराठे के रेट है, आप लोग पूरी पराठे के रेट भी वीडियो पॉज करके आराम से देख लें। और इनके पास इसके अलावा हलीम चिकन बीफ भी, ये भी आप देख लेना। तो ये इनकी रेट लिस्ट है, सही है भाई। तो ये बन रहा है पराठा, पराठे का साइज देख रहे हो आप। और यहाँ पे बेल रहे पराठा। तो भैया ये कितने केजी का पराठा होगा? अरे सवा किलो का होता है, सवा किलो होगा तकरीबन। ये चेक करें भाई, ओहो सीन ही अलग है। ये देख रहे हो आप, और ये पराठा बना। साइज चेक करो भाई, कराची का सबसे बड़ा पराठा है ये, जबरदस्त हो गया भाई। और अब ये जाएगा कढ़ाई में, यहाँ से पराठे तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इसकी कटिंग होती है, ये इसकी कटिंग होती है। और फिर ये वेट होता है, ये किलो के हिसाब से दिया जाता है। जबरदस्त हो गया भाई, ये सीन चल रहा है भाई। आपको अगर रात के टाइम भी सुबह का नाश्ते वाला सीन चाहिए ना, तो आप यहाँ पहुंच जाओ। ये पूरियां भी, रात का टाइम अगर आपको नाश्ता ही करना है ना, बिल्कुल नाश्ते वाला, तो ये पूरी भी तैयार हो रही है भाई यहाँ पर। ये भाई यहाँ पे पूरी भी रेडी कर रहा है। ये फुल नाश्ते वाला सीन चल रहा है इधर। और अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं, यहाँ पर लोगों का काफी रश लगा हुआ है, जबरदस्त हो गया भाई। ये भाई पूरियां लग रही हैं, ऑर्डर लगता जा रहा है, लोग तक पहुंचता जा रहा है। ये देखो हलवा, ओए होए 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 भाई। अब ये बड़ा वाला पराठा जो है ना, वो तैयार करने लगे, इसको बेल लें। जबरदस्त जबरदस्त हो गया भाई, साइज देख लो, अभी और बड़ा होगा, अभी और इसको और फैला फैला के अभी बड़ा करेंगे भाई। रांची का सबसे बड़ा पराठा है भाई,
ये भाई अकेले यहाँ पर इसको बेलते हैं। और साइज देख रहा हूँ, साइज कितना बड़ा हो गया। और ये गया कढ़ाई में, जबरदस्त हो गया भाई। ये पराठा जो बना रहे हैं ना, ये भाई बना रहे हैं भाई, अकेले ही बना ले तो सारा। कितने किलो बना ले तो तकरीबन रोज? कम से कम 40-45 किलो। 40-45 किलो रोज बना ले तो? नाम क्या है आपका भाई? मोहम्मद साजिद। और साकिब भाई अपनी लोकेशन भी एक दफा बता दो यार। लोकेशन होटल, लोकेशन दी होटल, सही है भाई। ये क्रिस्पी पराठा, एड्रेस बता रहा है। ये आया पराठा यहाँ पर थे, और यहाँ से आ गया इधर। अब यहाँ से इसकी कटिंग की जाएगी, क्योंकि भाई करेंगे कटिंग इसकी। ये कटिंग हो रही है भाई, और ये गया वेट पे। ये गया पार्सल के, और लो गाइस देख लो आप, ये देख लो वही तो, ये बड़े पराठे का पेड़ है, जो बड़ा वाला पराठा बनाते हैं ना। और ये हलवा पूरी के, ये हलवा पूरी के पेड़ है। ये इनका छोलों का सालन है भाई, जबरदस्त। और ये है इनकी आलू की तरकारी, बेहतरीन। अच्छा भाई, तो ये हमारा पराठा आ गया। हमने एक पाव मंगाया पराठा, उसके साथ इसके छोले दिए गए, हलवा भी मंगाया हमने, अचार है, और ये रायता इनका। तो अब इसको ट्राई करते हैं, और भाई और ये लोग भी खाएंगे, इनसे भी रिव्यू लेंगे। अच्छा भाई, अब हम अपना पराठा ट्राई करते हैं जरा कैसा है। ये आ गया पराठा, और ये इसके छोले, छोलों का सालन यार, शक्ल से तो अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि टेस्ट में भी अच्छा। थोड़ा सा अचार इनके साथ लेते हैं, हल्का सा अचार लो। और ये छोले लिए थोड़े से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल वही जैसे आप सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, वही वाइब्स आ रही है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह नाश्ता कर रहा हूँ, लेकिन अभी सुबह नहीं हो रही, अभी रात के 12 बज रहे हैं भाई, और लोगों का रश अभी भी लगा हुआ है। और जो तारीफ सुनी थी ना इसकी, बाकी में पराठे का टेस्ट है और छोलों के साथ, तो भाई मज़ा दोबाला ही हो गया। एक और बाइट लेते हैं भाई यार, छोले इनके ना बहुत ज़बरदस्त हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब सुमेर तो भाई से भी ज़्यादा रिव्यू लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हम करते हैं इसको ट्राई। हमजा भाई ने हमारे जो है वो कह रहे हैं कि बड़ी तारीफ की है इसकी, तो चेक करते हैं कि कैसा है। थोड़े से अचार के साथ तो और मजा आ जाएगा। वाकई में हमारा बिल्कुल सही कह रहा है, जैसे इसकी तारीफ सुनी थी ये वैसा ही है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, जायकेदार है। एक और ट्राई लेते हैं, अब ज़रा हलवे के साथ खा के देखते हैं इनका हलवा कैसा है। ऊपर यार हलवा भी ज़बरदस्त मज़ेदार है, बेहतरीन। सुमेर भाई जो है वो ट्राई करते हैं। सुमेर साहब चक्के देखो, नहीं कैसा है, जबरदस्त है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। दही भी लगा लो, दही भी लगा लो।
मगर हलवा बहुत क्लास का हलवा है। नहीं करो, बहुत क्लास छोड़ दो करिए, ये भी खाओ उसके बाद फिर हलवा भी खा के बताओगे कैसा है। बड़ी हम लोग बड़ी दूर से आए और बड़ी ख्वारी करते हुए आए, मगर यहाँ करना सारी कसर पूरी हो गई। ये हुआ कि हमारे को ख्वारी जो मैंने भूल ली थी, जाया नहीं, जाया नहीं, हल मिल गया, मिल गया, सही बात है। बहुत जबरदस्त ट्राई करते हैं, लेकिन बड़ी तारीफ हो रही है। वीडियो वाले भाई वीडियो बनाते रहे और हम खा रहे हैं, अब तो और सबर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई सबर। जब चीज अच्छी हो तो फिर शुरू हो जाओ। तो फाइनली भाई हमने अपना पूरी पराठा खाया और बहुत जबरदस्त था, छोले और सालन भी सही था। और सबसे मेन चीज जो इसकी थी ना, जो मेरे को बहुत जबरदस्त है, उसका हलवा देसी घी में बना हुआ था हलवा, और बड़े ही जायकेदार हलवा लगा मेरे को। ओवरऑल हमने जो एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर आके देखा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरीके से हमदा ने बताया था मेरे को भाई, मैंने तारीफ सुनी थी ना, वाकई में वही वैसी थी, बहुत बेहतरीन थी, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। तो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। इसी तरह एक और वीडियो में एक नई जगह फिर से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।